कोरोना के नए वेरिएंट के साथ साथ कियानू रीव्स की मैट्रिक्स की नई मूवी भी आने वाली है, जिसका नाम है मैट्रिक्स रिजरेक्शन। मैट्रिक्स इन मूवी की ये फोर्थ पार्ट है। इसके पहले मैट्रिक्स की 3 मूवीज भी आ चुकी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिक्स मूवी की कहानी एक्चुअली किस बारे में है। अगर आपने मैट्रिक्स के पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आज का ये वीडियो आप देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स की दुनिया किस बारे में है, और इसके बाद आपको मैट्रिक्स रिजरेक्शन ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। तो मेरा नाम है अभिषेक, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मैट्रिक्स मूवी आई तो थी 90s में, बट मैट्रिक्स मूवी की जो कहानी है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, आज से भी ऑलमोस्ट 50 साल के आगे की कहानी है। कहानी इस बारे में है कि AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमंस के बीच एक जंग चल रही है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक डेवलप हो चुका है कि वो इंसानों को अब अपना गुलाम बनाना चाहता है, और उसके लिए उसका मेन सोर्स ऑफ पावर होता है सूरज की एनर्जी, यानी सोलर पावर। तो उसके लिए इंसानों ने क्या किया होता है, उन्होंने सूरज की किरणें और जो सोलर पावर होती है उसको ब्लॉक कर दिया होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी एनर्जी चाहिए होती है, इसके लिए वो क्या करते हैं, इंसानों को कैप्चर करके उन्हें एक पॉड में गुलाम बना लेते हैं। तो वो पॉड में जिंदा इंसान होते हैं जो सो रहे होते हैं, और उनसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी एनर्जी ड्रॉ कर रहे होते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेट्रिक्स नाम के एक माया जाल का इजाद करती है, वो एक मेट्रिक्स प्रोग्राम क्रिएट करती है। तो मेट्रिक्स प्रोग्राम क्रिएट करने के पीछे उसका रीजन ये होता है कि पॉड्स में जो इंसानों को उन्होंने कैप्चर करके रखा है ताकि वो उनकी एनर्जी को ड्रॉ कर सके, उन वो इंसान हमेशा के लिए सोए रहे, इसके लिए वो मैट्रिक्स प्रोग्राम बनाती है। सो मैट्रिक्स प्रोग्राम एक माया जाल, एक भ्रम होता है, जिससे कि पॉड में सो रहे इंसानों को लगता है कि वो अभी भी नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हैं, जैसे कि हम और आप जैसे अभी जी रहे होते हैं, उन्हें लगेगा कि वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट एक्चुअली में वो AI के अंडर कैप्चर हो चुके हैं। अब रियलिटी में जो दुनिया होती है, जहाँ पर इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच जंग छिड़ा हुआ है, वहाँ पर एक छोटी सी जगह होती है जायन। जायन में मॉर्फियस होता है, जिसको आपने मूवीज में बहुत सारे सीन्स में, मैट्रिक्स मूवीज के सीन्स में भी देखा होगा, जो अल्टीमेटली नियो को ट्रेन भी करता है। सो जायन एक ऐसी छोटी जगह होती है जहाँ पर कुछ ऐसे इंसान रहते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैप्चर में नहीं आए हैं, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम वो ह्यूमंस का जो ग्रुप होता है जायन में, वो पॉड्स में कैप्चर्ड इंसानों को कभी कभार मौका मिलते हुए अनप्लग करके अपने साथ ले आते हैं और उन्हें सच्चाई बताते हैं। तो ऐसा ही एक केस होता है नियो एंडरसन का, जो कि प्ले कर रहे हैं कियानू रीव्स। अब मैट्रिक्स की दुनिया में एक लेडी होती है जिनका नाम ओरेकल होता है, और वो भविष्यवाणी कर सकती है, वो फ्यूचर देख सकती है, और उन्होंने ही देखा होता है फ्यूचर में कि नियो एंडरसन जो है कियानू रीव्स वो सेवियर बन के आएंगे, एंड ही इज द चोजन वन। चोजन वन करके ये टर्म बहुत बार मूवी में यूज होता है, और वो इसलिए मॉर्फियस जो होता है वो रियल वर्ल्ड से मैट्रिक्स में जाते हैं कियानू रीव्स से मिलने के लिए। अब कियानू रीव्स जो कि मैट्रिक्स में जी रहे होते हैं एज अ कंप्यूटर हैकर, उन्हें हमेशा से अपनी लाइफ थोड़ी सी वियर्ड लग रही होती है, और उनको ये वियर्डनेस का रीजन पता तब चलता है जब मॉर्फियस उन्हें पूरे प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि वो एक्चुअल में मैट्रिक्स में है, जबकि उनका रियल बॉडी जो है वो एक पॉड में सो रहा है, और एंड दैट इज कैप्चर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद नियो एंडरसन को मॉर्फियस 2 चॉइसेस देते हैं, 2 पिल्स उनके सामने प्रोड्यूस करते हैं, एक ब्लू पिल एंड 1 इज रेड पिल। ब्लू पिल अगर नियो एंडरसन ले लेते हैं तो वो हमेशा से मेट्रिक्स वाले प्रोग्राम में रहेंगे, और मॉर्फियस से जो उनकी मुलाकात हुई है उसके बारे में उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और दूसरी रेड पिल होती है जो कि अल्टीमेटली नियो एंडरसन लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। न्यू एंडरसन रेड पिल लेने के बाद उन्हें वो मैट्रिक्स की दुनिया से बाहर आके वापस उस पॉड में वेकअप होते हैं, और उसके बाद वो अपने आप को अनप्लग करते हैं और वापस मॉर्फियस की टीम से जुड़ जाते हैं। मैट्रिक्स मूवी के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस तो हमने हमेशा कहीं ना कहीं देखा है, तो उसमें एक विलन भी होता है जिसका नाम होता है एजेंट स्मिथ। अब एजेंट स्मिथ जो है वो एक्चुअल में एक प्रोग्राम है जो कि मैट्रिक्स के अंदर बनाया गया है, सो दैट जब भी उस प्रोग्राम में किसी तरह की इनकंसिस्टेंसी हो या फॉल्ट हो उस प्रोग्राम में, उसको डिटेक्ट करने के लिए वो एजेंट स्मिथ नाम का प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। इसलिए उसे पूरे मैट्रिक्स के बारे में पता है, इसलिए वो एक मैट्रिक्स जो वर्ल्ड होती है उसमें कहीं भी किधर भी बहुत फास्ट मूव कर सकता है, और उसके पास अलग तरह के थोड़े सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी होते हैं। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो मॉर्फियस को एजेंट स्मिथ ने कैप्चर कर लिया है, और वो टॉर्चर करते हैं मॉर्फियस को ताकि मॉर्फियस उन्हें बता दे कि जायन जाने का रास्ता क्या है। मॉर्फियस को बचाने के लिए आता है नियो एंडरसन। नियो और मॉर्फियस ने पहले मैट्रिक्स प्रोग्राम में अपने बहुत सारी ट्रेनिंग की होती है, जिसकी वजह से नियो मॉर्फियस को बचाने में कामयाब होता है और एजेंट स्मिथ से लड़ पाता है।
अब मैट्रिक्स मूवी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग एक्शन या ग्रेविटी डिफाइंग सीन्स, एक्शन सीक्वेंसेस हैं। और एक सीक्वेंस तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था जहां पर बुलेट्स को डॉज करते हैं न्यू एंडरसन बाय यू नो बेंडिंग बैकवर्ड्स। सो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि अगर मैट्रिक्स प्रोग्राम में अगर आपको पता चल गया है कि आप मैट्रिक्स प्रोग्राम में हैं और वो रियल लाइफ नहीं है, देन इन दैट केस आप वहाँ की ग्रेविटी को और वहाँ की जो लाइफ है उसको, हर तरह की चीज़ को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप बहुत ही ऊंचा जंप कर सकते हैं, बहुत दूर तक जंप कर सकते हैं, आपके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती हैं, आप ग्रेविटी के साथ खेल सकते हैं, इस वजह से वो सारे एक्शन सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। सो मैट्रिक्स मूवी एंड तब होती है जब फाइनली एजेंट स्मिथ के साथ न्यू एंडरसन लड़ते लड़ते और मॉर्फियस की टीम को ये रियलाइज हो जाता है कि न्यू एंडरसन इज द चोजन वन। और जैसा कि ओरेकल ने प्रेडिक्ट किया था पहले कि वो चोजन वन है, बट मूवी की एंड में वो मॉर्फियस और उनकी टीम और सबको, इनफैक्ट न्यू एंडरसन को भी रियलाइज हो जाता है कि ही इज द चोजन वन। सो इस तरह होती है मैट्रिक्स की पहली मूवी एंड। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप मैट्रिक्स 4 देखने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इस चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।